हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल तुषार मार्बल, मैं हूं आपका होस्ट तुषार यादव। तो गाइज़, काफ़ी समय बाद हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके। और गाइज़, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पार्किंग टाइल्स होती है, हैवी ड्यूटी टाइल्स, दो तरीके की आती है, 1x1 और 16x16। तो इन दोनों को कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ पर इसका स्पेसिफिक यूज़ होता है कि हम 1x1 कहाँ लगाएं और 16x16 कहाँ लगाएं। ऐसा तो नहीं होता है कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ लगा दी, उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया होता है कि हाँ वहाँ ये टाइल्स लगेगी, एल्स यहाँ वहाँ पर ये टाइल्स लगेगी। तो इस वीडियो में आपका बिल्कुल ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि आपको 12x12 कहाँ यूज़ करना है और 16x16 कहाँ यूज़ करना है। अगर आप कन्फ्यूज थे अभी तक कि हम पार्किंग टाइल्स लगाएं कि ना लगाएं, सब बहुत लोग तो कन्फ्यूज़ होते हैं कि मुझे छत पर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं मुझे जीने में लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता चलता है या फिर कोई सजेस्ट करता है वैसे ही आप उसको परसेप्शन बना लेते हैं उस चीज़ का। तो थोड़े से आपके डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस साइज़ की। ये हमारा 1x1 साइज़ है, 12x12 इंच। और इसके एक बॉक्स में जो पैकिंग आती है, 8 पीस की पैकिंग होती है, 8 स्क्वायर फीट माल होता है। हम इसको डिजिटल पैकिंग टाइल्स बोलते हैं। ये 1x1 की हमारी पैकिंग टाइल्स है, हैवी ड्यूटी टाइल्स बोलते हैं। और इसी में अगर एक ऑर्डनरी आती है, जैसे कि आपने देखा होगा पुराना पैटर्न है आइवरी और टेराकोटा का, जो चेक शेड में लगी होती है, काफ़ी जगह देखा होगा आपने। अगर वो ऑर्डनरी वाली पैकिंग की बात करते हैं तो वो एक बॉक्स में 10 पीसेज आते हैं और ये एक बॉक्स में 8 पीसेज आते हैं। इतना डिफरेंस होता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में। रेट दोनों के सेम होते हैं, पार्किंग टाइल दोनों होती है और थिकनेस ऑलमोस्ट दोनों की सेम होती है। हैवी ड्यूटी बोलते हैं इसको। तो हैवी ड्यूटी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि हैवी से हैवी यूज़ जहाँ पर हो वहाँ पर स्टाइल को यूज़ करें, और स्टाइल को यूज़ करें बहुत ही अच्छा होगा। तो कहाँ पर आप स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पार्किंग टाइल नाम है तो सीधी से बात है पार्किंग एरिया में आपकी, जहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं, आप कार पार्क करते हैं, कोई भी गाड़ी हो आपके पास और कितनी भी गाड़ी हो, हैवी से हैवी आप उस जगह को यूज़ करना चाहते हैं, बेशक दोनों में से कोई भी पार्किंग टाइल लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगी दोनों। उसके अलावा जो आपकी 12x12 वाली पार्किंग टाइल्स है, पार्किंग के अलावा कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप इसको? स्टेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, जीने में। होता क्या है, आपका जो स्टेप है और लगभग आपका 10 इंच या 11 इंच होता है, और जो आपका राइज़र है वो 8 से 9 इंच होता है। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ 12 इंच की आती है। प्लेन डिज़ाइन कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें ये आपकी डिज़ाइन इतनी ना हो, प्लेन डिज़ाइन कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो 9 इंच पे कटिंग हो जाएगी और 11x12 पे जो भी इंच पे वो कटिंग हो जाएगी। रेस्ट अगर जो भी आपका बसता है मटेरियल, वो आपका स्कर्टिंग में यूज़ हो जाएगा। तो वेस्टेज कुछ नहीं होने वाला है, प्राइस बहुत कम रहने वाला है और मजबूती आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो आप इस स्टाइल्स को स्टेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम छत पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो आपकी छत है, पुरानी छत है, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, और या फिर अगर आपको उसमें वाटरप्रूफिंग कराने का मन है, या फिर आप चाहते हो कि उस छत पे थोड़ा सा लुक आ जाए और हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी रहे, लीकेज ना आए, मतलब मल्टीपर्पज़ आप कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है। आप पूरी छत में या तो फिर मार्बल लगाएं आप, या वाटरप्रूफिंग कराएं, ये दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। या छोटे छोटे मार्बल कट साइज़ होते हैं वो लगा देते हैं बहुत लोग, या फिर वाटरप्रूफिंग करा देते हैं, तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं। या फिर बहुत लोग तो छत तोड़वा के नहीं बनवा देते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप इस पार्किंग टाइल्स को, प्राइस काफ़ी आपका स्लाइटली कंपेरेटिवली सब चीज़ों से सस्ता आएगा इसका प्राइस, अगर आप ऑल ओवर देखेंगे, क्योंकि जो मार्बल होता है उसमें घिसाई कटाई सब कुछ अलग होती है। इसमें क्या है, सिर्फ आपने यूज़ किया और नेक्स्ट डे से, मतलब आपने लगाया और नेक्स्ट डे से इसको यूज़ किया, तो आप इसको छत में लगा सकते हैं, स्टेयर्स पर लगा सकते हैं, और अपने बालकनी हो गया, आंगन हो गया, और घर के बाहर जो आपका स्लोप होता है वहाँ लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि 16x16। अब 16x16 और 12x12 में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस गाइज ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत हैवी है, बहुत हैवी होता है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी रहती है, थिकनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी थिकनेस इसकी, और प्राइस में भी ज़्यादा होता है। और तो बस मेन डिफरेंस यही है कि साइज़ बड़ा हो गया, जो इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा हो गई, हैवी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी इसकी और अच्छी हो गई। इसकी भी ड्यूरेबिलिटी कहीं कम नहीं है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी मान सकते हो आप और अच्छी हो गई, मतलब फार बेटर, बहुत अच्छी, मतलब ये अब लॉन्ग लास्टिंग, आपने लगाया और इसको भूल गए। तो 16x16 अगर आपका प्राइस आपका कहीं पर भी वेरिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में प्राइस का जो डिफरेंस है वो वास्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो अगर आपका प्राइस वेरिएट नहीं कर रहा है, प्राइस में आपका कोई इशू नहीं आ रहा है, तो 16x16 आप बेशक यूज़ कर सकते हैं आप पार्किंग एरिया में, स्लोप में। और स्टेयरकेस में तो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें वेस्टेज जाएगा आपका, क्योंकि ये 16 इंच है, आप 11 इंच या 8 इंच 9 इंच काटेंगे तो वो वेस्टेज जाएगा। तो स्टेयरकेस में रिकमेंडेड नहीं है, स्टेयरकेस में बिल्कुल यूज़ ना करें इसको आप, स्टेयरकेस में यही चलेगा। रेस्ट आप पार्किंग
एरिया हो गया, बालकनी हो गया, आंगन हो गया, जहाँ हैवी से हैवी रफ एंड टफ यूज़ होता है वहाँ पर आप 16-16 यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो छत में है वहाँ भी 16-16 आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो वेट है वो गाइस बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी है। तो जब आप पूरे छत में, आपकी बड़ी एरिया होती है छत में, 1000 स्क्वायर फीट से तो ऊपरी होती है कोई भी छत हो गई, तो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर आप पूरे छत में इसको लगाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, एकदम मार्बल जैसा हो जाएगा। जितना हैवी मार्बल होता है उतना ही हैवी टाइल्स हो जाएगा, तो टाइल्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये मार्बल से भी महंगा जाएगा क्योंकि ये कॉस्टली आती है टाइल्स। तो जो छत में आपको यूज़ करनी है वो 1x1 यूज़ करनी है, स्टे के जीने में यूज़ करनी है वो भी 1x1 यूज़ करनी है, रेस्ट जो पार्किंग एरिया हो गई, स्लोप हो गया, आंगन हो गई, गैलरी हो गई, वहाँ पर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर बजट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो कस्टमर्स हमारे आते हैं, कस्टमर्स का जो चिकन रहता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें 1x1 लगानी है कि 16-16 लगानी है, क्योंकि इसका क्या है, साइज़ बड़ा है तो ये जल्दी लग जाती है। अगर एक रूम में आपकी या फिर एक बैल्कनी में आपकी ये लग रही है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि छोटे पीसेज हैं, ये लग रही है तो जल्दी लग जाती है। तो जो मिस्त्री होते हैं, लेबर्स होते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये लेके आओ और ये बहुत बेस्ट है, ये हम लगा देंगे, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, तो थोड़ा सा लोग इससे दूर भागते हैं क्योंकि कॉस्टली पड़ती है। तो आपके ऊपर है, बजट जिस पे बैठे आपका, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से दोनों ही टाइल रिकमेंडेड है आपको, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, आपको एक बार लगाने के बाद कोई भी चिंता नहीं करनी है दोबारा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करेगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर तुषार मार्बल। थैंक यू सो मच।